रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। इरफान साहब के जाने का दुख तो एक आम भारतीय की तरह है कि एक ऑल टाइम ग्रेट, एक अभिनेता, एक ग्लोबल एक्टर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हमने खो दिया, जिसकी हॉलीवुड तक धाक थी, जिनकी चमक को पूरा विश्व पहचानता था। ऐसे बहुत कम चेहरे हैं, उनमें से एक हमारे बीच से चला गया। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति का निजी कष्ट ये भी है कि एक बेहतरीन दोस्त हम सब ने खो दिया। मैं उन्हें प्रभा के दिनों से जानता था, जिनकी शुरुआती फिल्म थी जो राजा बुंदेला साहब ने डायरेक्ट की थी, बनाई थी। उसके बाद उन्होंने हासिल में काम किया तिग्मांशु धूलिया के साथ, और दोनों ही मेरे निजी मित्रों में हैं, राजा भाई भी और तिग्मांशु भी। उसके बाद डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी के चाणक्य के कारण भी, जो कि डॉक्टर साहब से भी बड़ा आत्मीय और एक बड़े भाई जैसा रिश्ता मेरा रहा। तो तमाम ऐसे कॉमन मित्र बीच में रहे इरफान भाई के साथ, और दो तीन बातें मैंने उनमें महसूस की। बम्बई में ऐसे बहुत कम लोग हैं, और ये शायद मेरी नियति है कि मेरी बम्बई में स्टार से दोस्ती नहीं है, एक्टर से दोस्ती ज़्यादा है, जो अपनी सफलता के चरम पर भी दुनिया की दूसरी आहटों से जुड़े रहते हैं, जिन्होंने विश्व साहित्य पढ़ा है, जिन्होंने विश्व की पोइट्री के बारे में जाना है, विश्व अभिनय के बारे में जाना है, दुनिया में क्या इस समय चल रहा है, क्या होगा, भारत में क्या चल रहा है, इस पर चर्चा विचार विमर्श करते हैं। तो आप बम्बई कार्यक्रमों के लिए जाइए, कभी सम्मेलनों के लिए जाइए, तो उसके बाद शाम ढले कार्यक्रम निपटने के बाद जो कुछ 3-4-5 दोस्त हैं जिनके साथ बैठना अच्छा लगता है या जिनके साथ शाम बिताना अच्छा लगता है, उनमें से एक इरफान भाई थे। और मुझे याद है कि वो अपनी प्रशंसा से बहुत घबराते थे, और समकालीन जो अभिनेता हैं उनके साथ आ रहे हैं, पीछे हैं, आगे हैं, उनकी प्रतिभा को भी स्वीकार करते थे। अन्ना आंदोलन के दौरान एक भ्रष्टाचार मुक्ति का जब यज्ञ चल रहा था, तो उस समय टीवी चैनल पर एक बहस के लिए वो आए थे, और मैं भी था। मुझे याद है कि उससे पहले का वक्त था, जाड़ों का वक्त था, और नीचे वो मुझे मिले, और उसके बाद जब हम ऊपर गए तो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में उनकी तारीफ कर दी कि बहुत बड़े अभिनेता। तो उन्होंने उस समय ही मेरा हाथ दबाया और बाहर निकल कर मुझसे कहा कि यार ये तारीफ मत किया करो कुमार भाई, हम और आप तो अपना अपना काम कर रहे हैं, आप शायर हैं, मैं एक्टर हूँ, अपना अपना काम करते हैं। तो प्रसिद्धि के शिखर पर भी एक भले आदमी की तरह, एक ग्राउंड से जुड़े हुए ग्रास रूट के आदमी की तरह रहना, जो उनके अभिनय में भी दिखता था, एक टॉक का वही लड़का जो अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपने भाइयों सबसे जुड़ा हुआ था, वैसा वो आखिर तक रहे। नाट्यशास्त्र का जो कथन है, आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने दुनिया की पहली ड्रामेटिक्स की मानक पुस्तक लिखी थी नाट्यशास्त्र, उसमें आचार्य कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सात्विक अभिनय वो होता है जो आँखों के सहारे किया जाए, बिना संवाद बोले और बिना शरीर को हिलाए। अगर हम इसे अभिनय की सात्विकता की कोटि माने, तो वो विश्व के कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में थे जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अपने पूरे पूरे संवाद उस सीन में बोल दिए हैं। ये उनकी क्वालिटी थी, और अपनी लड़ाई वो जीत रहे थे, जीत आए थे लंदन से। कल भी जब उनकी तबीयत ख़राब थी और मुझे सूचना मिली, तो मैंने कुछ कॉमन फ्रेंड्स को बात की थी, जिन्होंने बताया कि नहीं, सामान्य चेकअप है और अंडर ऑब्जर्वेशन उनको रखा गया है, डॉक्टर्स ने बुलाया है। तो मुझे लगा जब वो इतनी बड़ी लड़ाई लंदन से ट्यूमर की जीत आए थे, कैंसर की, तो ये भी जीत ही लेंगे, क्योंकि बीमारी के दौरान भी आप उनको फ़ोन करिए या बात करिए तो वो अपनी बीमारी के बारे में तो एक लाइन में बताते थे, और बाकी ठहाके और बाकी वन लाइनर्स और इधर की बातें उधर की बातें काफ़ी सारी सुनाते थे, जिससे उनकी जिंदादिली पता चलती थी। कैफी आदमी का एक शेर है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो बहुत सारी यादें हैं इरफान भाई की जो परेशान करती हैं, और बहुत जल्दी चले गए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि पान सिंह तोमर बनने के बाद लगभग 3-4 साल शायद वो डिब्बे में रही थी, रिलीज नहीं हुई थी। तो बारिश का वक्त था, और आरामनगर के तिग्मांशु धूलिया के घर पर, जो उसके निदेशक थे, उसके घर पर हमने इसका प्रिंट देखा था, शायद पहला दूसरा हम लोग दर्शक थे उसमें, और वो पकौड़े बना रहे थे इरफान भाई तिग्मांशु की किचन में, हम लोग भी वहीं थे साथ में, कुछ सहायता कर रहे थे बरमूडा पहने हुए। और वो 2.5 घंटे की फिल्म हमने लगभग 5 घंटे में देखी, क्योंकि हर बार वो किसी सीन पर, किसी बात पर, किसी अभिनेता पर कोई एक टिप्पणी ऐसी करते थे वन लाइनर, जिससे हम सब हंसते थे। उसमें अनुराग कश्यप भी थे, तिग्मांशु भी थे, मैं भी था, और कुछ कॉमन फ्रेंड्स हमारे वहाँ दोस्त थे, और हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। और मैंने कहा भाई ये फिल्म देखी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये बीच में इरफान भाई की कमेंट्री और उनके वन लाइनर चले हैं, तो जाने भी दो यारो, और ये पान सिंह तोमर में एक साथ नहीं देख सकता, इसे अलग से देखना पड़ेगा। और क्या उन्होंने अभिनय किया, तो उनकी जो रेंज थी
वो बहुत बड़ी थी अभिनेता के रूप में, दूसरा वो अपने समकक्ष और समकालीन अभिनेताओं से ना तो चमत्कृत होते थे बहुत ज़्यादा कि उनका अभिनय दब जाए। मुझे सुरजित सरकार की वो फिल्म याद है जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने काम किया, और अमिताभ जी जो अभिनय के महानायक हैं, वैसे तो महानायक हैं लेकिन अभिनय का भी अद्भुत शेड अमिताभ बच्चन जी की परिपक्वता में है, और दीपिका का जो इस समय मुकाम है और उस वक्त मुकाम था बड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन उन दोनों की उपस्थिति से तटस्थ होकर उन्होंने जिस तरह से खेला उस पूरे रोल को वो अद्भुत था। अपने साथ काम करने वाले जो पीछे आए अभिनेता उनको बहुत स्वीकार करते थे, एक फिल्म में दो चार सीन में और कहीं कहीं जगहों पर उनसे पीछे आए एक अभिनेता ने बहुत ज़्यादा चौंका दिया मुझे, और मुझे लगा कि वो इरफान भाई की लिमिट्स को छू रहा है और उनकी टक्कर दे रहा है बढ़िया। तो मैंने इरफान भाई को कहा कि यार वो मैंने वो फिल्म देखी थी भाई जी और वो फला आदमी ने तो कमाल करा। तो उन्होंने बिल्कुल कहा, अब मैं वो भाषा तो नहीं दोहरा सकता, उन्होंने कहा हाँ यार उसने तो मुझे बिल्कुल हिला दिया और क्या कमाल की एक्टिंग है और वो बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने फिर उस अभिनेता को बताया एक दिन शाम को कि यार तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो उसकी आंखें भराई और उसने उनसे मुलाकात भी की। तो एक अच्छे आदमी का जाना बहुत ही दुखद है, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि इरफान भाई आप सुपरस्टार थे और आप जहां भी गए होगे वहां सुपरस्टार होगे, जहां भी जाओगे वहां वही जलवा करोगे जो आपने इस जिंदगी में इस दुनिया में किया है। वी लव यू, वी मिस यू।